अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग मौजूद हैं ज़िला गुजरात के इलाका केरावाला सैयदा में, जामा मस्जिद पाक बेगम शरीफ में। माशाल्लाह एक बहुत ख़ूबसूरत मस्जिद है जो सारी संग मरमर से तैयार की गई है। और इस मस्जिद के हवाले से बहुत सी दिलचस्प बातें हैं जो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, बताएंगे। और जो सबसे एक दिलचस्प बात है वो ये है कि इस मस्जिद की तामीर में रेत, सीमेंट और सरिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ। और मज़ीद आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि इस मस्जिद की तामीर का असल मकसद क्या था। इस मस्जिद की तामीर 2001 से शुरू होती है, जो कि अलहाज डॉक्टर हाफिज़ फ़र्रुख़ हबीब साहब ने शुरू करवाई थी, जो कि बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थे। और इस मस्जिद को बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक इसका आउटडोर यूनिट है और दूसरा हिस्सा इसका सेन है और तीसरा इसका इंडोर यूनिट है। मस्जिद को माशाल्लाह बहुत हवादार बनाया गया है ताकि गर्मी में लोगों को गर्मी की शिद्दत का कम से कम एहसास हो। इसके अलावा मस्जिद में माशाल्लाह जो खताती की गई है वो एक बेहतरीन अंदाज़ में की गई है। मस्जिद के अंदर और बाहर माशाल्लाह सूरत यासीन और बाकी कुरानी आयात लिखी गई हैं। मज़ीद मालूमात के लिए यहाँ पे मस्जिद में एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे इस मस्जिद के हवाले से मजीद बातें। नमाज आज़ादी की पिंड की उस बाद जितने बंदे आए सन उस जमाने वो सारे इकट्ठे होकर पिछले खजूर है, उस खजूर थले बैठ के अल्लाह का जिक्र करते हैं, दुआ मंगते हैं। जहरी हालत में मियाँ दूर मोहम्मद साहब ने इस टाइम जो टाइम मेरे पास अंदर जरूरत हुई सी गैप चो आवाज़ आई, ये जगह मस्जिद की है, इस हर चीज़ यदा एहतराम कर दी है, रोशनी नूर दी होंदी है, इत्थे मस्जिद बनाओ। बंदे पिंड दे बैठे सन, जो जमीन का मालिक इस विच ही बैठा सी, उस का जमीन मैं तुहाड़े मिल करना, तुसी जाना थोड़ा खुदा जाने, ठीक ठीक हो गया। चलदा 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 आखते आके डॉक्टर साहब तक पहुँचा। डॉक्टर साहब बचपन कुरान पाक हिफ्ज़ किया, स्कूल गए, कॉलेज गए, डॉक्टर बने, इत्थे हाजिर होते। 1995 डॉक्टर साहब आज तक गए ने, 2000 दोबारा आज तक गए। जो दोबारा हज गया तो अल्लाह पाक ने डॉक्टर साहब ने मस्जिद नबी बैठे हाँ मेरे पसंद की जात होंगी है जहरी हालत तो आवाज़ आँदी है मस्जिद बनाओ। वापस आके 16 मार्च 2001 जुलहाय का तीजा जुमा, जुमे की नमाज पढ़ के यदि बुनियाद की गई, ठीक ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक। तो मस्जिद जी ये दसो कि सारी मस्जिद जी है संग मरमर ना तैयार की गई है, पत्थर के नाल इट का इस्तेमाल नहीं होया, कबरें इटा ये लोगों ने काफ़ी लोगों ने सवाल करी ने कि इट नहीं है, करोड़ों इट लगे ये सही। ये शुरू में शुरुआत 16 मार्च 2001 नाड़े पैर तो यह बड़ा दुनिया लेवल का कम है, वर्ल्ड लेवल का, इतने गुजरात का या मांडी का नहीं है, यह तुहाड़े पैर तो 29 फुट नीचे बुनियाद ने, 29 फुट जी लंबी छोड़ी बस 29 फुट नीचे सही, वर्ल्ड में कोई इतना बुनियाद नहीं नीचे 29 फुट बुनियाद। 16 मार्च 2001 जुलहाय का तीजा जुमा यदि शुरू की थी, पूरे पाकिस्तान तो इंजीनियर मंगाए सन, कराची, पिंडी, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, लंदन, अमरीका के पढ़े लोग, पत्थर आ रहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर तो, पाकिस्तान के अंदर पत्थर नहीं है, मस्जिद के पूरी मस्जिद एक तोड़ा सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया, एक फुट सरिया इस्तेमाल नहीं हुआ। जो तो दरिया खुशक होंगे ने रेत दे रोड़ होंगे ने बहुत ज़्यादा पैर, असी वो वजीराबाद तो खालसाबाद तक पूरा दरिया छाउन मारिया, और रोड पठे पकाने आ, पका के पीस के चूना बनया, मिसाला बनता जिंद उम्र है 1000 साल 10 सदिया, उस मिसाले ना नीचे भर्ती पूरी मुकम्मल इटा दी कमोपेश 25-26 लाख इट थे,
पत्थर की कढ़ाई डिजाइनिंग दुनिया विच वर्ल्ड विच पत्थर में पढ़ के किसी कुरान पर नहीं लिखा अच्छा बाकी एक आधे पढ़े इंजीनियर है कुछ भी नहीं सी थोड़ा सी बाकी संग मरमर है जो मस्जिद की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रहा है ये आउटर लुक है मस्जिद की इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है जी माशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़।